हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के बारे में। और इस वीडियो के अंदर आप फ्रेंड्स देखने वाले हैं कि कौन से एक्सपेरिमेंट जनरली इन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में, और उनकी क्या मार्किंग स्कीम रहती है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस टर्म का, AISSCE। तो फ्रेंड्स, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्ज़ाम। तो 2019-20 का ये पेपर है 12th स्टैंडर्ड का। तो आपके सामने ये रहा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसको बता देता हूँ टाइम कितना इसमें अलाउ होता है। 3 आवर्स का ये प्रैक्टिकल होता है और मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 30। तो चलिए फर्स्ट इसमें एक्सपेरिमेंट है, क्या है देखते हैं। टू प्रिपेयर 250 ml स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ m20 का मतलब है यहाँ पे मोलरिटी है 20 की, फेरस अमोनियम सल्फेट मोहर साल्ट को भी कहा जाता है। एंड बाय यूजिंग दिस सॉल्यूशन फाइंड आउट द मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ गिवन KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। तो इसमें हमें मोलरिटी निकालनी होती है या स्ट्रेंथ जो है KMnO4 सॉल्यूशन की निकालनी होगी, और 8 मार्क्स का ये इसमें वेटेज है। और इसके अलावा यहाँ ऑप्शन भी मिल गई है OR, टू प्रिपेयर 250 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ m/20। तो ये m/20 मोलैरिटी है, फिर से बता देता हूँ, फेरस अमोनियम सल्फेट मोहर साल्ट, इसके बदले हम मोहर साल्ट भी वहाँ लिखा हो सकता है। एंड बाय यूजिंग दिस सॉल्यूशन फाइंड आउट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ इम्प्योर KMnO4 सैम्पल ऑफ 2.0 ग्राम। तो ये टाइट्रेशन से रिलेटेड है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हम बोल सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, रेडॉक्स रिएक्शन भी इसको हम कह सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली हमें क्या पता है, इसमें फेरस अमोनियम सल्फेट की मोलैरिटी पता होती है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 250 ml में बनाना है इसका, और यहाँ अननोन सॉल्यूशन जो कि KMnO4 सॉल्यूशन है पोटाशियम पर मैंगनेट, इसकी स्ट्रेंथ हमें फाइंड आउट करनी होती है। स्ट्रेंथ मोलैरिटी के साथ ही हमें पता चल जाएगी, मोलैरिटी उसके बाद स्ट्रेंथ का पता चल जाएगा। तो चलिए ये आपके पास क्वेश्चन था 8 मार्क्स का। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। आइडेंटिफाई 1 acidic and 1 basic रेडिकल्स फ्रॉम गिवन सॉल्ट। तो जो भी सॉल्ट हमें गिवन होता है उसमें से हम एसिडिक और बेसिक रेडिकल को हमें फाइंड आउट करना होता है। तो ये भी हमें 8 मार्क्स यहाँ देखने को मिलते हैं इस क्वेश्चन के भी। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि आपको वहाँ एग्जाम में दिया होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जिसके अंदर एल्डिहाइड, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एनिलीन, इस तरह का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ हो सकता है, उसकी हमें फंक्शनल ग्रुप हमें आइडेंटिफाई करना होता है। तो इसके अलावा हमें ऑप्शन मिल जाती है, 6 मार्क्स कैरी करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसके अलावा कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च कैसे बनाया जाता है, और इसमें भी हमें ऑप्शन मिल रहा है क्रोमेटोग्राफी का, ये इसमें ऑप्शन मिल रहा है। सेपरेशन ऑफ पिगमेंट फ्रॉम एक्सट्रैक्ट ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स बाय यूजिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ RF वैल्यू। तो इन तीनों में से कोई सा एक हमें करना होता है। जनरली हम फंक्शनल ग्रुप जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसको आइडेंटिफाई करते हैं, बहुत कॉमनली क्वेश्चन बनता है। और 4 मार्क्स का आता है यहाँ प्रोजेक्ट वर्क, जो भी प्रोजेक्ट बच्चों ने बनाया होता है उसके 4 मार्क्स मिलते हैं। और 5th क्वेश्चन जो होता है क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा का होता है, ये देखिएगा, ये भी 4 मार्क्स कैरी करता है। तो ये ओवरऑल मैंने यहाँ ये आपकी केमिस्ट्री प्रैक्टिकल को बताने की यहाँ कोशिश की है। इसके सिंपल पेपर को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको देख सकते हैं, इस तरह का सैंपल पेपर आपको आता है, ये देखिएगा। चलिए विद दिस वर्ड्स, बाय बाय, टेक केयर।